गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, अब देखिए कितनी तेज़ धूप निकल रही है। धूप मेरे ख्याल से ही आप कैमरा में देख ही रहे होंगे। और नस्टेशियम अभी भी मेरा ब्लूम हो रहा है, ये नीचे वाला नस्टेशियम है और डेंथस भी ब्लूम हो रहा है। ये मेरा रूम से निकलते हुए एक छोटा सा ये भी एरिया है, यहाँ कुछ प्लांट मैंने रखा हुआ है। तो देखिए बोगनविलिया तो फुल ब्लूम पर है। तो आज मैं आपको ये अपना ये दिखाऊंगी, और वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ, बगल में कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो ये मेरा पिछले साल का ये है डहेलिया है, जो मैंने इसके राइजोम बचा के रखे थे। और ये देखिए अभी भी ब्लूम हो रहे हैं। फ्लावर तो मैंने दिखाया हुआ था, इसका फ्लावर एक येलो था और एक ऑरेंज कलर पर था, तो इसका फ्लावर भी मैं दिखा दूँ। तो मेरे ख्याल से ये अभी अप्रैल लास्ट तक ब्लूम होंगे। और एक ये है और एक ये प्लांट है, ये भी एक डहेलिया है, इसमें भी बहुत सारे बर्ड्स निकल रहे हैं। बर्ड्स दिखा पा रही हूँ या नहीं, एक मिनट, इसमें भी बर्ड्स आ रहे हैं। देखिए इसमें भी बर्ड्स आ ही रहे हैं, एक मिनट ठीक से दिखा दूँ, बर्ड्स आ रहे हैं। तो मैं आइए दिखाऊँ कि मैंने कैसे इसे बचा के ये मैं इसको इसको इस साल के लिए रखा, अभी नेक्स्ट ईयर के लिए इसको बचा के रख सकते हैं। तो देखिए इसमें बहुत सारे ब्लूम्स निकल रहे हैं, अभी बहुत सारे इसमें कलियां आ रही हैं इसमें। तो आइए दिखा, तो ये पिछले साल का ये मेरा ये मैंने बचा के रखा था, तो इस साल भी अब इसके प्लांट ये सूख गए हैं। तो इसका मिट्टी अच्छी तरह से मैं इसको इसका मिट्टी साफ़ कर दूँगी, और साफ करने के बाद मैंने इसको दो तीन दिन सेड एरिया में दो तीन दिन रख दिया था। अब देखिए पूरा बिल्कुल तरह से ये ड्राई हो गया है। और यहाँ से मैं ऐसे इसको यहाँ से ये कट कर दूंगी, इतना कट करके कट कर दूंगी। और कट करने के बाद मेरे पास एक ये खाली पुराना गमला है, पूरे तरह से नीट एंड क्लीन कर दिया है, प्रॉपर इसका होल है। तो मैं इसको ऐसे रख के, और बस दो चीजें मैं इसमें यूज करूंगी, सिर्फ ये रिवर सैंड है जिसे बालू बोलते हैं, और इसमें मैं, तो ये मैंने रिवर सैंड लिया है और बहुत ही सूखा हुआ रिवर सैंड है, और एक दिन धूप में मैंने सुखा लिया था इसे ताकि कोई फंगस नहीं रहे। और बस रिवर सैंड और ये हल्दी, जैसे मैंने पिछले साल स्टोर किया था, मेरा दोनों बच गया था, मैं वैसे ही आपको बता रही हूँ। और मैं हमेशा जब तक मैं कुछ उसका रिजल्ट नहीं देखती मैं नहीं बताती हूँ। तो ये देखिए, हल्दी लिया मैंने और इस पर ये ऐसे स्प्रेड कर दूंगी, और ये राइजोम में भी, इसके जो राइजोम है अच्छी तरह से ये पूरे अच्छी तरह से लगा के, और देखिए पूरे अच्छे तरह से इसमें भी मैंने पूरे चारों तरफ से हल्दी लगा दिया, और इसको ये रख के, और पूरी अच्छी तरह से ढक दिया। और ढकने के बाद मैं इसको एक छाए जगह पे जाके रख दूंगी, फिर ये सितंबर में मैं इसको निकाल के, और ये कभी भी ये सूखी हुई बालू में कभी भी फंगस नहीं लगेगा, राइजोम मेरा बहुत सेफ रहेगा। और फिर सितंबर में आप इसको निकाल के और इसको आप वेल ड्रेन मिट्टी बना के इसको ग्रो कर सकते हैं, फिर इसको आप सितंबर में इसको ग्रो कर लीजिए, और इसको ऐसी जगह पर रख दीजिए जहाँ
ये पानी नहीं आए या कोई गीला नहीं हो ये। और फिर आराम से नेक्स्ट डे इसमें से निकाल के आप रोल, बिल्कुल इसमें फंगस नहीं लगेगा क्योंकि मैंने इसमें हल्दी चारों तरफ से, नीचे राइजोम में सारे तरफ से लगा के इसको सेव करके रख दिया है। और पेपर से आराम से ढक के किसी जगह पर, कहीं सूखे जगह पर रख दीजिए। तो मैंने अपने पिछले दिखाया हुआ था कि मैंने कैसे ग्रो किया, जब तक मैं इसका रिजल्ट नहीं देखती हूँ मैं शेयर नहीं करती हूँ। तो बिल्कुल आप ऐसे करके आप सितंबर में ऐसे डहेलिया ग्रो कर सकते हैं। तो होप आपको ये मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू।